Hello everybody, so in today's video I'm gonna share a quick 10 minutes pasta recipe. और कोई मैदे वाले पास्ता वाली बात नहीं कर रही, मैं प्रीमियम क्वालिटी के पास्ता की बात कर रही हूँ, क्योंकि 100% मैदा फ्री है. ओके, 100% मैदा फ्री और टेस्टी, पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है. फार्मले ने अपने न्यू पास्ता निकाले हैं जो कि है मखाने से बने. सो लेट्स मेक इट एंड सी हाउ इट टेस्ट. सबसे पहले यहाँ पे मैंने पास्ता ले लिया है पैन में और उसको बॉईल करने के लिए उसमें खूब सारा पानी डाल दिया है और साथ में थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है और मात्र 5 मिनट में आपका पास्ता हो जाएगा बॉयल. नाउ सबसे पहले एक पैन में आपको थोड़ा सा ऑयल गरम करना है और उसके अंदर ऐड करना है जिंजर गार्लिक पेस्ट, या आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं. इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अनियन जो कि मैंने मिक्सी में ब्लेंड करे हैं. आफ्टर दैट जब अनियन पक जाएं, यू हैव टू ऐड टमेटो प्यूरी. इसको मार्केट से परचेज करोगे तो आई थिंक टेस्ट ज़्यादा बेटर आएगा. अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए, बिल्कुल पका लीजिए और उसके बाद हम इसमें ऐड करना स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन मसाले. तो ये सबसे पहले मैंने सॉल्ट ऐड करी है. सॉल्ट आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करनी है और याद रखिएगा जब हमने पास्ता बॉईल किया है उसमें भी सॉल्ट है तो उसको ध्यान में रखते हुए ऐड करना है. फिर रेड चिली पाउडर ऐड करा, कोरिएंडर पाउडर ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है, ये सब कुछ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग. मैं थोड़ा मसाला तेज़ ही रखती हूँ बिकॉज आई लव स्पाइसी. सो ये सब मसाले ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करिए ताकि मसाले जो हैं वो हमारी सॉस के रूम रूम में बस जाएं. सो आफ्टर दैट वील ऐड द मैजिकल मसाला व्हिच इज़ नन अदर देन पीरी पीरी मसाला. सो ये लास्ट मसाला ऐड करने के बाद आपको इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसके बाद हम ऐड करेंगे खूब सारी क्रीम, बिकॉज क्रीम जो है पास्ता के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेस्ट को इन्हांस कर देती है. अच्छे से क्रीम ऐड करके इसको दोबारा से हमें मिक्स करना है. बिल्कुल हल्का सा पानी ऐड करेंगे ताकि थोड़ी सी हमारी सॉस और पक जाए, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक अप्रॉक्स 1 or 2 tablespoons. इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ऑलमोस्ट हमारी जो पास्ता सॉस है वो रेडी हो चुकी है. अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारा बॉइल्ड पास्ता और बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है ताकि एक एक पास्ता के अंदर जो आपकी सॉस है वो ढंग से मिक्स हो जाए. अदरवाइज़ किसी में टेस्ट आता है, फिर एक बाइट में टेस्ट नहीं आता तो वो चीज़ बहुत बेकार लगती है. इसलिए 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन इसको अच्छे से आपको मिक्स करना चाहिए. चाहे तो आप इसको 5 से 10 मिनट कवर करके रख भी सकते हैं. नाउ आवर पास्ता इज़ कम्प्लीटली रेडी. अब हम इसको सर्व करते हैं और उसके ऊपर थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ अगेन क्रीम एंड ढेर सारा डोमिनोज से चुराया हुआ ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स. डू ट्राई दिस रेसिपी एट होम एंड मुझे कॉमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. बाय बाय, टेक केयर.